So we'll be starting our day 7 of Ladakh Diaries shortly, and today we'll be moving towards Somodedi from Hanle. Everyone is fit enough. किसी को कोई ज़्यादा problem नहीं हुआ. We'll be moving towards Somodedi. Somodedi Lake is situated in the northern part of Ladakh. तो यहाँ से मतलब Hanle से it will be taking around 3-4 hours. And हम लोग on the way Puga Valley होके जाएंगे. ये वही valley है जो recently Instagram reels के वजह से बहुत viral हुआ था. वो Puga Valley होके हम लोग जाएंगे. जस्ट अभी हम लोग पुगा वैली क्रॉस किए. ड्राइवर भाई साहब ने बोला ये पूरा एरिया पुगा विलेज के अंडर ही आता है, बट वो जो फोटो और वीडियो जो रील्स में वायरल हुआ था ना पुगा वैली का, उसका एक पर्टिकुलर जोन है. वो जोन हम लोग कल देखने वाले हैं. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुगा वैली, बट वो असली वाला जो स्पॉट है जहाँ पे फोटो उठाए थे वो पहाड़ के बोथ साइड है. बढ़िया, इसमें भी काम चल सकता है. सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट. राइट नाउ विल बी हेडिंग टुवर्ड्स ऑन दिस पाथ टुवर्ड्स Somodedi लेक. आगे हम लोग का एक चेक पोस्ट था एट माहे, तो वहाँ से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जाता है जो कि ये रास्ता है टुवर्ड्स Somodedi, और एक रास्ता सीधा निकलता है टुवर्ड्स ले. तो कल हम लोग जब Somodedi से ले जाएंगे तो वो रास्ता रूट पकड़ेंगे. तो हम लोग अभी पुगा वैली के बहुत नज़दीक यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं. वन टच. अरे कौन लाएगा अभी? बस शॉट. आफ्टर 5 hours ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम Hanle वी हैव रीच टू आर अल्टीमेट डेस्टिनेशन दैट इज Somodedi. हम लोग का लद्दाख ट्रिप का फाइनल स्पॉट आप बोल सकते हो. ये बोलते हुए मेरे को थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, बट या दिस इज आवर लास्ट स्पॉट इन आवर एंटायर लेह लद्दाख आइटिनरी, एंड दैट इज द ब्यूटिफुल Somodedi लेक. बट ऊपर थोड़ा बहुत बादल है, उसी के लिए आज थोड़ा बहुत बारिश होने का चांसेस है. इससे पहले आप पेंगोंग देखे थे, उसका इंडिया टिबेट और चाइना में उसका पार्ट है, बट ये Somodedi लेक इज कम्प्लीटली इन इंडिया. एंड इसका जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 19 किलोमीटर लॉन्ग एंड 7 किलोमीटर विड्थ एट इट्स वाइडेस्ट रेंज. दिस सराउंडिंग्स कम्स अंडर Somodedi वेटलैंड कंजर्वेशन प्रिजर्व. उसी के लिए लेक के वो आजू बाजू में लाइक पेंगोंग यू कैनॉट सेट टेंट और एनी काइंड ऑफ कॉटेजेस. एट Somodedi वी आर स्टेइंग एट नोमैडिक कैंप. व्हाइट कलर का जितना भी कैंप है सब नोमैडिक कैंप के अंदर ही आता है. एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 25 कैंप मेरे को दिख रहा है अभी. हर एक कैंप पे 2 से 3 लोग आराम से फिट हो जाएगा. ये बहुत ही रिमोट एरिया है, इसमें ऐसा ही कैंप पे सब लोगों को एडजस्ट करना होता है. आगे और भी सारा गेस्ट हाउस वगैरह था, बट हम लोगों को एक कैंप का मज़ा लेना था. कैंप पे रहने का खासियत यही है, आप बाहर चेयर लगा के ये पूरा व्यू का मज़ा ले सकते हो. एंड ये जो दो कैंप दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, यहाँ ये है इसका डाइनिंग हॉल, नोमैडिक डाइनिंग कैफ़े. वैसे भी यहाँ पे शाम होते होते 7:30 बज जाता है, अभी 1.5 घंटा हाथ में है. रोहन बाबू क्या हाल है? कुछ नहीं है, बस चल रहा है. बस चल रहा है. सुशील, इट्स बेटर टू स्टे एट दिस कैंप राइट, because we got the opportunity to stay at a guest house also. Yes, they were actually trying to move us to a guest house, but we were very stringent on trying to stay here only in the nomadic life camp, because we wanted that camp experience firsthand, that how it feels staying in the camp in a chilly night, in a windy night, and that's what we'd be experiencing it tonight.
Let me show you how this camp looks like from inside. तो यहाँ पे दो लोग सो सकते हैं, अब चाहो तो तीन भी सो सकते हो, काफी बड़ा बेड है। I hope रात को ठंडा ना लगे, because पास में ही सोमोरी लेक है और लेक का ठंडा हवा इधर से अंदर आना नहीं चाहिए, नहीं तो हम सारे लोग जम जाएंगे। एंड जो बाथरूम का व्यू है वो बहुत यूनिक है। देखो इतने से छोटे से जगह में ये लोग टॉयलेट बना के दिया है, बेसिन, कमोड इन वेस्टर्न स्टाइल सब कुछ है, और इधर से आप पानी भी भर सकते हो। दिस काइंड ऑफ बाथरूम इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कैंप, क्वाइट यूनिक आई मस्ट से। एक दिन गुजरना है इसमें सोमोरिडी कैंप पे। अभी सोमोरिडी में हम लोग जा रहे हैं टू अटेंड वन फेस्टिवल ऑन द टॉप, एंड आज के लिए हम लोग का गाइड है पालदन भाई। तो अभी सोमोरिडी के आजू बाजू मैंने देखा जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो आई डोंट नो आफ्टर 2-3 ईयर्स लेटर इस जगह का नज़ारा कैसे होगा। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट बन रहा है यहाँ पे। और अभी कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम ऊपर के लिए जा रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर में फेस्टिवल जो हो रहा है यहाँ पे वो विटनेस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ द सोमोरी लेक। वहाँ से चलते हुए हम लोग ऊपर आए अभी। दिस इज़ द एंटायर एरिया इनसाइड द गोम्पा जहाँ पे फेस्टिवल वगैरह होता है। फिर चलते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। So inside Somorodi Monastery, the festival that we are talking about, that is about to start. कितना भीड़ हो गया देखो चारों तरफ, सब लोग अपना अपना सीट ले लिया है। People coming from all across the world are here to witness this unique festival. कल शाम को जब हम लोग सोमोरिडी पहुंचे, आवर फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज खत्म। इतना बारिश हो रहा था, लेक दिखने का कोई चांसेस ही नहीं है। बट टुडे आई मीन ऑन द नेक्स्ट डे विद गॉड्स ग्रेस वेदर इज क्लीन एंड नो रेन प्रेडिक्शन इज देयर। सो राइट नाउ आई एम हियर विद द पीपल हु आर रनिंग दिस ब्यूटिफुल नोमैडिक कैंप। लेट्स टॉक डायरेक्टली विद देम। प्रदीप दास जी, आप बोलिए इस जगह के बारे में, क्या है, कैसे लोग यहाँ पे पहुंचे, कैसे बुकिंग करे। नमस्कार जी, मैं प्रदीप दास झारखंड से, यहाँ नोमेडिक लाइफ कैंप में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छा जगह है, और आइए हमारे यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ का कार्ड है हमारे पास, और डायरेक्ट बुकिंग पॉसिबल ओवर फोन या व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे पास कार्ड भी है। ऑनलाइन दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो। ऑनलाइन बुकिंग होता है, अच्छा ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे टेंट हमारे बहुत अच्छे हैं। ये आइए इनसे मिलिए, मैनेजर जी है यहाँ का। मैनेजर जी आप आइए, थोड़ा हाई बोल दीजिए। झूले झूले हमेशा कैंप रहता है। 19 कैंप है हमारे पास अवेलेबल, और कॉटेज भी है हमारे पास। आप लोग आइए, यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। आके एंजॉय करो। हाँ, आके एंजॉय करें। थैंक यू। तो अभी सोमोरिडी लेक व्यू पॉइंट के सामने बिल्कुल हम लोग खड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश पीछा नहीं छोड़ रहे,
थोड़ा बहुत बादल है वो साइड, मतलब वो साइड बारिश हो रहा है, ये साइड धूप निकला हुआ है वो साइड। बारिश अगर कम होता तो अच्छा होता, क्लियर स्काई मिलता और भी बढ़िया लगता। दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माउंटेन लाइफ। थोड़ा मिसिंग हो जा रहा है लद्दाख में, सोचे थे कि बारिश नहीं होता है बट हम लोग आने के बाद तो बहुत दिन हो गया। सो दिस इज द एंटायर सोमोंडरी लेक व्यू पॉइंट, दिखने में ऑलमोस्ट पैंगोंग जैसा ही लगता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पैंगोंग देखने के बाद सीधा लेह में वापस चले जाते हैं, बट हेनले एंड सोमोंडरी इज अ मस्ट विजिट प्लेस। और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, यही एक प्रॉब्लम है। After spending 8 consecutive days at Leh Ladakh, two things I have learned. First is like Leh Ladakh is all about the road journeys, not the destination. Second is यहाँ पे अभी जुलाई 2023 के महीने में हेनले और सोमोंडरी के साइड पे इतना बारिश हो रहा है, पीपल आर सेइंग कि लास्ट 10 साल में ऐसा हुआ नहीं कभी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द ले साइड सुबह के टाइम पे बहुत गर्मी है। तो ये सब देख के आई कैन से वन थिंग इन बंगाली, ए कैमोन लद्दाख, इट मीन्स ये कैसा लद्दाख है। एंड ऑन द वे वी हैव स्टॉप्ड एट द हॉट स्प्रिंग ऑफ चुमथांग, चुमाथांग लेट्स से। वहाँ पे धुआं निकल रहा है जो कि रिसेंट इंस्टाग्राम रील्स के वजह से बहुत वायरल हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरा पे कि धुआं उठ रहा है बिकॉज दिस इज द हॉट स्प्रिंग एरिया। सोमोंडरी से ले के तरफ जाओगे तो ये चुमाथांग विलेज आपका रास्ते पे आएगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये धुआं दूर से आप लोग लोकेट नहीं कर पाओगे, ड्राइवर साहब को बोल के रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग है, उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो बहुत बार ऐसा चांसेस हाई है कि आप साइड से निकले आपको दिखा ही नहीं, तो दैट विल बी ए बिग मिस। सो दिस इज द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग साथ में अंडा भी लेके आए हैं, मैगी भी लेके आए हैं, मैगी भी लेके आए हैं। यहाँ पे अभी अंडा बॉयल करेंगे। बॉइलिंग टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री से ऊपर ही, इट कैन बर्न योर फिंगर इन फ्यू सेकंड्स। अच्छा, इसका बॉइलिंग के पीछे का राज ये है कि यहाँ पे भारी मात्रा पे सल्फर मौजूद है। इट इज बिलीव दैट दिस हॉट वाटर हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी आल्सो। मिट्टी बन जाएगा। हाँ बहुत गर्म है तो यहाँ पे अंडा डाल सकते हैं ना, डालो फिर पलाश, देर किस बात का। तो आप लोग बोलो कमेंट बॉक्स पे कैसा लगा आप लोगों को चुमाथांग का हॉट स्प्रिंग। अंडा बॉयल तो आप देख ही चुके होंगे, मैगी बॉयल करना है क्या इसके बाद? नहीं नहीं, अंडा बॉयल इज अनफ, यू कैन कम हियर एंड बॉयल एग्स लाइक वी डिड। सो ऑन आवर वे टू ले वी हैव स्टॉप्ड एट अ स्मॉल टाउन नेम्ड खाड़ू, KHARU खाड़ू। हम लोग का अभी लंच बाकी था तो सोचा कि और बाकी कोई जगह ठीक नहीं लगा तो यहाँ पे आके अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4:45 PM, लंच तो नहीं बोल सकते, इवनिंग स्नैक्स ही सही। एंड अभी हम लोग इधर से जाएंगे टुवर्ड्स दिस साइड, दिस साइड इज ले। अभी जो पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ से ले का डिस्टेंस है अराउंड 35 किलोमीटर, सो वी विल बी कवरिंग अराउंड इन नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट्स। एट 5:30 PM वी आर हैविंग आवर लंच, सो कॉल्ड लंच। दिस इज शाही पनीर एंड पनीर बटर मसाला विथ बटर नान। सुशील आई नो यू आर फीलिंग वेरी मच हंग्री। यस यस। हम लोगों ने अभी जहाँ पे लंच किया उस जगह का नाम था 9 Palace गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, एकदम खाड़ू मेन मार्केट के सामने ही है। तो आप यहाँ पे आके लंच कर सकते हो, खाना वाना ठीक ठाक है, टोटली वेज आइटम दे सर्व, इट इज गुड। ले लद्दाख विथ इट्स माइंड बॉगलिंग सीनरीज, रगेड टेरेंस एंड रिच कल्चरल हेरिटेज इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर ऑल ट्रेवलर्स। आई लिटरली गॉट थ्रिल्ड व्हाइल कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल रीजन एंड रीलाइव द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द हिडन जेम्स ऑफ लद्दाख टाइमलेस लैंडस्केप्स। वेदर इट्स एम्बार्किंग ऑन अ बाइक ट्रिप थ्रू दिस हाई पासेस, discovering the spiritual vibes of the monasteries or simply soaking in the warm hospitality of the locals, Leh Ladakh offers something for everyone. With that said, it's time to call it a day from Somorodi with heavy heart. Connect on my Insta handle as IamRoy92 and stay subscribed to my channel The Bong Wayfarer to witness the next episode of Ladakh's rich cultural heritage. Till then, goodbye, take care, see you soon, bye-bye.